मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने दूसरा समन जारी किया था जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए, और सीएम दूसरे समन पर भी नहीं आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईडी कार्यालय के बाहर से यहां पर सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई और सुबह से ही ईडी कार्यालय में हलचल तेज थी। हर किसी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री ना आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई चिट्ठी ज़रूर आएगी, क्योंकि ये बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री कानूनी सलाह ले रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं इस पूरे मामले में। ऐसे में इंतज़ार जो था वो पूरा होता है जब सीएमओ से एक चिट्ठी आती है, एक व्यक्ति चिट्ठी लेकर आता है और वह खुद को डाकिया बता रहा है और उसका कहना है कि उसे चिट्ठी मिली थी, लिफाफा बंद था चिट्ठी, और उसने ईडी कार्यालय में जाकर चिट्ठी जमा की है। इस चिट्ठी में क्या कुछ है उसे इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे में दूसरा समन, और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर ईडी कार्यालय बुलाया गया था, मुख्यमंत्री नहीं आए हैं। चिट्ठी में क्या कुछ है, क्या कानूनी सहारा लिया है, क्योंकि इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन हुआ था तब उन्होंने सीएमओ की तरफ से एक चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी। सूरज जी कहाँ हैं? लेटर देने आए थे अभी। क्या चीज़ का लेटर? अरे कौन? अंदर का लेटर किसे बताएं? कहाँ से आए? सीएमओ पी से। नाम क्या? सूरज जी। हाँ सूरज। हाँ एक बार आराम से इधर देख के बताइए। एक बार आराम से इधर देख के बताइए। हम जाने दिन एयरपोर्ट भी जाने से आए हैं और क्या लेके आए? सीएमओ से। और क्या लेके आए थे? चलिए सूरज जी, क्या कुछ संदेश लेते हुए हैं? भाई आप बता, हम लोग डाक मारते थे अभी और एयरपोर्ट जा रहा, अभी प्रोजेक्ट जाएंगे डाक मारने। अब क्या था कैसे बताओ, हम लोग डाक मारने हैं भाई, बताइए। अरे लेट हो रहा है सीएमओ से अंदर में क्या कुछ बोला गया? कुछ नहीं, हम इनका हमें रिसीव करा, हम जा रहे हैं। तो इस चिट्ठी में क्या कुछ है अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आई है। चिट्ठी जब खुलती है तो ईडी का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि चिट्ठी आने के बाद ही ईडी ने 24 अगस्त का समन जारी कर दिया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो क्या ईडी फिर से एक बार समन जारी कर दी है या फिर जिस कानूनी रास्ते के अपनाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसी रास्ते पर ईडी भी आगे बढ़ती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।